हे गाइस, मैं हूं संकल्प मागड़े एंड वेलकम टू माय चैनल मागड़े ड्राइंग्स। सो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ऑयल पेस्टल मीडियम पर। सो आप बहुत कुछ सीखते रहोगे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो। और एक छोटी सी हेल्प, बस इस वीडियो को सेव कर देना, इससे बहुत मदद होती है। सो लेट्स डाइव इन थ्रू वीडियो। सो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, वो है A3 साइज़ का पेपर, और जो बॉक्सेस आपको पेपर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उन बॉक्सेस को कहते हैं ग्रिड्स। और ग्रिड कैसे बनाते हैं तो मैं अभी बताता हूँ। सो आपको करना क्या है कि पेपर के चारों साइड से डॉट्स लगाने हैं, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के डॉट्स बनाने हैं, और सारे डॉट्स को जोड़ देना है। इस प्रोसेस से ग्रिड बन जाती है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल, और रफली स्केच बनाना है। अगर कोई लाइन गलत भी आए तो शुरू में इरेज नहीं करना है, बल्कि जो सही लाइन आए उसे हमें डार्कली बनाना है। सो मल्टीपल लाइन्स बनाने हैं। कलरिंग वाइज मैं यूज़ करा डोम्स के 50 शेड वाले ऑयल पेस्टल। सो शुरू करेंगे ब्लैक से। सो मैं जिस डायरेक्शन में हेयर को स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ आप भी उसी डायरेक्शन में देना। एक बार मैंने स्किन को डिप्रिक करने के लिए मैंने यूज़ किया साइमन पिंक कलर को, और अब हम कंटिन्यू करेंगे विद ब्लैक। हाईलाइटेड एरियाज को वैसे ही हम छोड़ देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क ब्राउन कलर। सो मैं जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूँ आप भी उसी डायरेक्शन में, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ड्राइंग ख़राब भी हो सकती है। अभी मेरे हाथ में है वो है कॉटन बर। सो इससे हमें करना क्या है कि स्मूथ सा टेक्सचर लाना है, क्योंकि अब ये ग्रेनीनेस दिखाई दे रहा होगा आपको कलर का। सो वी वांट स्मूथ रिजल्ट, सो हमें यूज़ करना होगा कॉटन बर का। सो इसे हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं, कलर्स को सॉफ्टन कर लेना या फिर एक जैसा कर लेना। सो कलर्स को एक जैसा कर लेते हैं।
देन अभी हाईलाइटेड एरियाज में वाइट कलर ऐड कर लेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट पीच कलर का। सो हमें लाइट टू डार्क जाना है, मतलब हमें पहले लाइट कलर्स को देना है, डार्कर कलर्स को बाद में देना है। हाईलाइट एरियाज को वैसे ही छोड़ देना है। सो हमें ऊपर से नीचे जाना है। सो कलरिंग की शुरुआत हम ऊपर से करेंगे। अगर हम नीचे से ऊपर गए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हाथ को जो कलर है ना वो चिपक जाते हैं और पूरे ड्राइंग स्मज हो जाती है। स्मजिंग अवॉइडिंग करने के लिए हम ऊपर से नीचे तक बनाएंगे ड्राइंग को। सो मैं कर रहा हूँ हाथ से ब्लेंड। सो कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि स्मूथ सा टेक्सचर आए। देन वाइट। लिटिल बिट डार्कर वैल्यू ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ साइमन पिंक कलर का, जो लाइट पिच से थोड़ा सा डार्क है। डिटेलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स की कलर पेंसिल। सो दिस इज ब्लैक कलर पेंसिल फ्रॉम डोम्स। सो इससे मैं आईब्रोज बनाऊंगा। दे रहा हूँ लाइट ऑरेंज कलर को। हाइलाइटेड एरियाज को वैसे छोड़ देना है।
तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पिंक कलर का, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पिंक कलर का बॉटल, तो मैंने फिर से लाइट ऑरेंज कलर को यूज़ किया है अभी और ब्लेंड कर दिया लाइट ऑरेंज अगेन। सो नाउ आई एम यूजिंग लाइट ब्राउन कलर, तो अभी हमें थोड़े से डार्क वाले इसका ऐड कर दे रहा हूँ, शुरू में कर रहा हूँ लाइट ब्राउन कलर से, तो इसे भी ब्लेंड कर लेना। सो अभी मैं यूज कर रहा हूँ मरून कलर का। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रांड सेना कलर का फॉर एडिंग डार्कर वैल्यूज। सो डिटेलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर्ड पेंसिल, सो पहले आया लाइट ब्राउन कलर, देन ब्रांड सीनिया एंड देन फाइनली ब्लैक एंड हाईलाइट विथ ऑयल पेस्टर। सो अभी ऑयल पेस्टर से हाईलाइट कर लिया है, सो अभी आईलैशेस को बनाएंगे कलर्ड पेंसिल के साथ। White, grey.